Hello everyone, my name is Dr. Rajendra Singh Rajawat and I am an assistant professor in Department of Zoology, Government College Kota, under College Education, Rajasthan. Welcome to our YouTube channel, CC Raj GC Kota Class. इस वीडियो में हम फिश एंडोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे. एक बॉनी फिश का एंडोस्केलेटन दो पार्ट्स में बटा होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्केल सम्मिलित हैं जो कि बॉडी की एक्सिस बनाते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत पेक्टोरल एंड पैलियोगर्डियल सम्मिलित हैं जो कि बॉडी के एक्सियल स्केलेटन से जुड़े होते हैं. इस वीडियो में हम एक्सियल स्केलेटन के पार्ट वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम का सबसे आगे का भाग जो कि एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी होता है, जिसे कि कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रा कहते हैं. यहाँ पर लेबियो का कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रा दिखाया गया है जो कि चार वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है लेबियो के अंतर्गत. और इस कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रा में जो मुख्य बात है, ये एयर ब्लेडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करता है जो कि ऑस्टेरियोफाइसी में पाए जाते हैं. जैसा कि हमने कहा कि ये चार वर्टिब्रा से मिलकर के बनता है जो कि एंटीरियर वर्टिब्रा होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा. फर्स्ट सेंट्रम यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा का जो सेंट्रम होता है वो आगे की तरफ से फ्लैट और पीछे की तरफ से कॉनकेव होता है, जबकि सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा का जो फ्यूज सेंट्रम होता है वो बाइकॉनकेव होता है, और फोर्थ जो वर्टिब्रा है उसका सेंटर भी एम्फिसिलस होता है. यहाँ पर बाइकॉनकेव और एम्फिसिलस दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो सेंट्रम की होगी वो कॉनकेव होगी, यानी कि सनकन होगी, अंदर धसी हुई होगी दोनों तरफ से. इस डायग्राम को देखने से पता लगता है कि ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये सेकंड एंड थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा है और ये फोर्थ वर्टिब्रा है. इन चारों के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रा बना है. फर्स्ट वर्टिब्रा का सेंट्रम जैसा हमने कहा आगे से फ्लैट और पीछे से थोड़ा सा कॉनकेव होता है, और इससे एक जोड़ी ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले होते हैं वेंट्रल साइड की ओर. इसके ऊपर की ओर जो न्यूरल आर्च होता है वो क्लॉस्ट्रम और स्केफियम नामक दो वेबरियन ऑसिकल्स से मिलकर बना होता है, जबकि सबसे ऊपर की ओर न्यूरल स्पाइन पाया जाता है. जब सेकंड और थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा को देखते हैं, यहाँ पर दिस इज द सेंट्रम ऑफ सेकंड एंड थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा एंड दिस इज द न्यूरल आर्च ऑफ सेकंड एंड थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा, दिस इज न्यूरल स्पाइन ऑफ सेकंड एंड थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा. और जो सेंट्रम होता है सेकंड और थर्ड फ्यूज वर्टिब्रा का, वो उससे टाइपस नामक एक थर्ड वेबेरियन ऑसिकल जुड़ा होता है. ये क्लॉस्ट्रम, स्केफियम और ट्राइपस ये वेबेरियन ऑसिकल्स होती हैं जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट होती हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करती हैं एयर ब्लैडर से. इसके बाद लास्ट फोर्थ वर्टिब्रा का ये सेंट्रम है, इससे ऊपर की ओर न्यूरल आर्च ऑफ द फोर्थ वर्टिब्रा एंड देन न्यूरल स्पाइन ऑफ द फोर्थ वर्टिब्रा. नीचे की ओर सेंट्रम से ट्रांसवर्स प्रोसेस आगे की ओर निकले होते हैं, और साथ ही पीछे की ओर रिब्स जिसे हम कहते हैं वो निकली हुई होती है. ये दो तरह के प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड रिब्स, दे आर अटैच टू द सेंट्रम ऑफ फोर्थ वर्टिब्रा. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रा विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा. देन नेक्स्ट ट्रंक वर्टिब्रा. कॉम्प्लेक्स जो एंटीरियर वर्टिब्रा है जो कि फर्स्ट फोर्थ के मिलने से बनता है, उसके बाद जो वर्टिब्रा आते हैं उनको ट्रंक वर्टिब्रा कहते हैं जो कि अब्डोमिनल रीजन में होते हैं. इनका सेंट्रम बायकॉनकेव या एम्फिसिलस होता है जो हमें पता है कि दोनों तरफ से सनकैन यानी कि धसा हुआ होता है इस तरह से. ये इसकी पोजीशन है अटैचमेंट ऑफ ट्रंक वर्टिब्रा
one vertebra attaches to the another vertebra in this manner. Then neural arc, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये न्यूरल आर्क जो होता है ये ट्रायंगुलर फोरामेन होता है जिसके अंतर्गत न्यूरल कैनाल पाई जाती है और जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है. ये न्यूरल स्पाइन जो कि ऊपर की ओर नज़र आ रहा है, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, अपवर्ड होता है, पीछे की ओर इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्ट. ये एंटीरियर सरफेस होगा और ये पोस्टीरियर सरफेस होगा, ये डॉर्सल सरफेस होगा और ये वेंट्रल सरफेस होगा. तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड न्यूरल स्पाइन होगा. इसके अलावा जाइगियोपोफाइसिस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. दो प्रकार के जाइगियोपोफाइसिस में पहला होता है प्री एंड दूसरा होता है पोस्ट. दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट जाइगियोपोफाइसिस. प्री यानी कि एंटीरियरली एंटीरियर डायरेक्टेड होंगे और पोस्ट यानी कि पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होंगे. इस तरह से एंटीरियरली डायरेक्टेड, ये एंटीरियर साइड है और दिस इज पोस्टीरियर साइड पोस्ट जाइगियोपोफाइसिस. और ये दोनों जो अटैच वर्टिब्रा होते हैं उनके प्री एंड पोस्ट जाइगियोपोफाइसिस आपस में अटैच होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. द प्री एंड पोस्ट जाइगियोपोफाइसिस ऑफ द टू वर्टिब्रा आर अटैच्ड विद ईच अदर. देन ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें हम, तो यहाँ पर ये दो तरह के ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, दिस वन एंड दिस वन. दिस वन इज पैरापोफाइसिस एंड दिस वन इज डायापोफाइसिस. पैरापोफाइसिस एक पेयर होता है जो कि वेंट्रल साइड पर होता है और इसको कैपिटुलर प्रोसेस भी कहते हैं पैरापोफाइसिस को, क्योंकि ये रिब्स के कैपिटुलम से जुड़ता है और वेंट्रली डायरेक्टेड होता है. जबकि जो दूसरा इसका जो डायपोफाइसिस होता है वो रिब के ट्यूबरकुलम से जुड़ता है. और इस प्रकार ये दो ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं, दिस इज वेंट्रल एंड दिस इज अपर ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रोसेस. इसको पैरापोफाइसिस और इसको डायपोफाइसिस कहते हैं. इसके बाद जब हम बात करते हैं ट्रंक वर्टिब्रा के बाद, तो आता है प्री कॉर्डल एंड कॉर्डल वर्टिब्रा. प्री कॉर्डल वर्टिब्रा में इन दोनों ही वर्टिब्रा में जो समानताएं होती है वो ट्रंक टिपिकल ट्रंक वर्टिब्रा की तरह होते हैं, यानी कि वही सेंट्रम होगा, बाइकॉनकेव होगा और उसके अलावा प्रोसेसेस होते हैं प्री जाइगियोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगियोपोफाइसिस. देन न्यूरल स्पाइन, न्यूरल आर्क, ऑल आर सिमिलर टू ट्रंक वर्टिब्रा. लेकिन जो डिफरेंस होगा वो होता है प्री कॉर्डल वर्टिब्रा में जो बोथ पैरापोफाइसिस हैं वो पीछे की ओर जुड़े हुए होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जुड़ करके ये हिमल आर्क बनाते हैं जिसके अंतर्गत हिमल कैनाल सुरक्षित होती है, जिसमें कि ब्लड वेसल, कॉर्डल आर्टरी और कॉर्डल वेंस सुरक्षित रहते हैं. इसी तरह कॉर्डल वर्टिब्रा में ये जो हिमल आर्क है ये नीचे की ओर हिमल स्पाइन बनाता है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, जैसे कि न्यूरल स्पाइन बैकवर्डली डायरेक्टेड पोस्टीरियर साइड पर डायरेक्टेड होता है. सो दीज आर द वर्टिब्रा ऑफ द लेबियो, दैट इज ए बोनी फिश. We have started from complex vertebra which is formed by the fusion of first four vertebra, then trunk vertebra that is also known as abdominal vertebra, and then precaudal and caudal vertebra, and these are the parts of axial skeleton. And thanks a lot for watching. Hope you have enjoyed with this video. Thank you very much.